हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटर साइंस। देखो, आप लोगों ने पेंसिल देखी है। हर स्टूडेंट के स्कूल पाउच में पेंसिल होती है, लीड पेंसिल होती है या दूसरे पेंसिल भी होती है। अब जो पेंसिल को हम किस चीज़ के लिए यूज़ किए करते हैं, तो ड्राइंग के लिए या लिखने के लिए। तो जो सब्सटेंस होता है वो कौन से चीज़ का होता है? तो होता है ग्राफाइट का, जिसके बारे में आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब एक ग्राफाइट क्या है? What is graphite? This one is the allotrope of carbon. अब allotrope क्या है? तो different जो form होता है, element same है, लेकिन जो अलग-अलग form में उसके उस form होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? Allotrope बोला जाता है। जैसे diamond था, आज की video में हम discuss करने वाले हैं, जैसे graphite है। अभी ये जो graphite, diamond, fullerene, ये chemically कैसे होते हैं? Similar, लेकिन ये physically मतलब देखने में कैसे होते हैं? ये different होते हैं। तो आज के video में हम ग्राफाइट का स्ट्रक्चर, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिस ग्राफाइट फाउंड इन अमेरिका, रशिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, यहाँ ग्राफाइट पाया जाता है। देन लीड यूज इन पेंसिल। अभी देखो, जो पेंसिल की लीड होती है ना, उसको हम राइटिंग के लिए यूज करते हैं। तो विच इज मेड अप ऑफ ग्राफाइट, ग्राफाइट और क्ले से इसको बनाया जाता है। अब कैसे बनाया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम दिस ग्राफाइट पाउडर इज मेड। क्या किया जाता है? उसका पाउडर, फाइन पाउडर किया जाता है एंड मिक्स विद द क्ले, उसको क्ले से मिक्स किया जाता है। अभी देखो, डिफरेंट डिफरेंट पेंसिल होती है, जैसे डार्क चलने वाली पेंसिल, लाइट चलने वाली पेंसिल। तो जो डार्क पेंसिल होती है ना, उसमें ग्राफाइट जो होता है ज्यादा परसेंटेज में होता है देन दैट ऑफ द क्ले। और जो लाइट जो पेंसिल होती है ना, उसमें क्ले ज्यादा प्रोपोर्शन में होता है देन दैट ऑफ द ग्राफाइट। अब ये मिक्स करने के बाद लीड ऑफ द पेंसिल मेड, एंड ऐसे लीड तैयार होती है हमारी पेंसिल की। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दिस वन इज द हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफाइट। अभी कैसे होता है? देखो, एवरी कार्बन एटम, हाँ देखो, दिस वन इज कार्बन एटम। ये जो कार्बन एटम होता है ना ग्राफाइट का, विच इज बॉन्डेड बाय थ्री अदर कार्बन एटम। देखो, दिस वन इज वन कार्बन एटम ऑफ दिस ग्राफाइट एंड दिस बॉन्डेड विथ अनादर थ्री कार्बन एटम। देखो, वन टू एंड थ्री। ओके, ऐसे बॉन्ड करते हैं एंड टू फॉर्म द हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। ऐसे हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ग्राफाइट का। अभी देखो, दिस वन इज वन हेक्सागोनल। ये देखो, बहुत सारे ये ऊपर की लेयर दिख रही है और ये नीचे की लेयर दिख रही है। द ग्राफाइट क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ लेयर ऑफ कार्बन एटम बाय अप्लाइंग द प्रेशर। मतलब ये अर्थ क्रस्ट में फॉर्म होता है एंड ईच लेयर, देखो ये ऊपर की जो लेयर है ना, ईच लेयर ऑफ दिस ग्राफाइट, दिस इज कॉल्ड एज ग्राफिन। दिस वन इज वन लेयर, मैंने यहाँ दो लेयर बताई है, दिस वन इज ग्राफिन और इसको भी दिस लेयर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राफिन। मतलब ईच लेयर, दिस इज कॉल्ड एज ग्राफिन। अभी आप हमें एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। क्या चाहिए? वी नीड सम एपरेटस, जैसे पेंसिल चाहिए हमें, इलेक्ट्रिक वायर, बैटरी या सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब चाहिए छोटा सा, वाटर चाहिए, दो टेस्ट ट्यूब चाहिए। एक टेस्ट ट्यूब में हम वाटर लेंगे और दूसरे इसमें केरोसिन लेंगे। वी नीड लीड पेंसिल ऑल्सो। ओके, अब ये प्रोसीजर में क्या करना है? रिमूव द लीड फ्रॉम द पेंसिल। पेंसिल से हमें लीड क्या करना है? निकालना है एंड फिल इट विद द फिंगर। देखो, फिल करने के बाद जैसे सॉफ्ट और स्लिपरी, स्मूथ लगेगी हमें। उसके बाद व्हाट इज द कलर? ऑफ कोर्स दिस वन इज ब्लैक इन कलर। देन ट्राई टू ब्रेक द लीड विद योर हैंड। हमें हम क्या करना है? उसको ब्रेक करना है। इजीली क्या होती है? ब्रेक होती है, मतलब दिस वन इज ब्रिटल, ब्रिटल भी होती है। असेंबल द एपरेटस। देखो, हमें क्या करना है? ऐसे छोटा सा एक सर्किट बनाना है, जो हमने सेल लिए थे, सेल लगाना है, हमने बल्ब भी ले लिया, उसको वायर के साथ कनेक्ट कर लिया, दो हमने मेटल की पिन ली और उसके बीच में हमने देखो पेंसिल की लीड लगाई है। ओके, अभी करंट क्या करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे और करंट स्टार्ट करने के बाद देखो आप लोगों को बल्ब ग्लो हुआ नजर आ रहा है। ओके, अब इसका मतलब क्या? दैट मीन्स दिस लीड विच इज मेड अप ऑफ ग्राफाइट विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ बल्ब क्या हुआ? ग्लो हुआ ना। तो देखो, क्वेश्चन भी है, व्हाट डिड यू फाइंड? दैट मींस ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
लेकिन जो ग्राफाइड है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। देन अभी टेक सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। हमने एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया, तो दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है, केरोसिन लेना है। एंड पुट द लिड डस्ट इन बोथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, मतलब जो पेंसिल की लीड थी ना उसकी डस्ट बनानी है, और जो हमने वाटर और केरोसिन लिया था सेपरेट टेस्ट ट्यूब में उसमें हमें डालना है। अब इसको कितने भी देर रखो तो दिस वन इज इनसोल्यूबल। मतलब देखो एक क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू फाइंड, दैट मीन्स ग्राफाइट डज नॉट डिजोल्व इन मोस्ट ऑफ द सोलवेंट, दैट मीन्स ये वाटर में भी सोल्यूबल नहीं है और केरोसिन में भी डिजोल्व नहीं होता है। अब प्रॉपर्टीज क्या, अब ये जो एक्टिविटी की है ना उसके ऊपर से हम ग्राफाइट की प्रॉपर्टीज देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज ग्राफाइट फाउंड इन नेचर, दैट इज ब्लैक, सॉफ्ट, ब्रिटल एंड स्लिपरी। दिस मीन इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफाइट। सेकंड, इनसाइड ईच लेयर ऑफ ग्राफाइट, देखो यहाँ तुम लोगों को फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कंटिन्यूअसली, एंड दैट्स वाई ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है जो ग्राफाइट के पास है लेकिन डायमंड के पास नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी, ड्यू टू द लेयर स्ट्रक्चर, उसके पास लेयर स्ट्रक्चर होता है ना, ईच लेयर दिस इज कॉल्ड एज ग्राफीन, अभी हमने पढ़ा है। एंड लेयर स्ट्रक्चर होने के कारण दिस वन इज यूज फॉर राइटिंग ऑन अ पेपर। फोर्थ प्रॉपर्टी, डेंसिटी ऑफ ग्राफाइट इज 1.9 to 2.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट मीन्स इफ वी पुट द ग्राफाइट इन वाटर इट गेट्स सिंक, ये क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से क्या है, ज्यादा है। देन ग्राफाइट डज नॉट डिजॉल्व इन मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब दिस इज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, दिस इज ऑल्सो नॉट डिजॉल्व इन केरोसिन ऑल्सो, मतलब ये कौन से भी सोलवेंट, सोलवेंट मतलब लिक्विड, लिक्विड में डिजोल्व नहीं होता है। अभी कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, दिस वन इज यूज फॉर मेकिंग द लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट मतलब क्या है, द सब्सटेंस जस्ट लाइक ऑयल एंड ग्रीस। सेकंड यूज, ग्राफाइट इज यूज फॉर मेकिंग द कार्बन इलेक्ट्रोड, ये कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे हमारे घर में जो लिक्विडेटर होता है ना मॉस्किटो भगाने वाला, उसमें जो तुम लोगों को रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा वो बॉटल में, दिस इज ऑल्सो कार्बन इलेक्ट्रोड। ग्राफाइट इज यूज इन पेंसिल फॉर राइटिंग, ये पेंसिल में यूज किया जाता है। ग्राफाइट ऑल्सो यूज इन पेंट एंड पॉलिश, पॉलिश या पेंट तैयार जब किया जाता है ना उसमें ग्राफाइट का यूज किया जाता है। एंड लास्ट, ग्राफाइट इज यूज इन आर्क लैम्प विच गिव वेरी ब्राइट लाइट, मतलब देखो यहाँ ग्राफाइट लगाया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये ब्राइट लाइट देता है। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फलेरिन। अभी ये फलेरिन क्या है, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ कार्बन, सॉरी दिस इज ऑल्सो ऑलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो इसकी स्टडी हम अगले वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।